हेलो दोस्तों, गोरखपुर में दीवानी कचहरी के गेट के बाहर बिहार के युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेश गुप्ता, टेक गुप्ता हिंदी में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आ गया हूं काफी सनसनीखेज खबर लेके, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। मामला आपके बड़हलगंज का है, इसलिए आपको यह वीडियो देखना काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। गोरखपुर कोर्ट में फौजी के पिता ने आरोपी को गोली से भून डाला, बोला इसका यही अंजाम होना था। गोरखपुर में नाबालिग बेटी से रेप के आरोपी को रिटायर्ड फौजी पिता ने भरी कचहरी में भून कर हत्या कर दी। पिता ने आरोपी को एक के बाद एक चार गोली मारी, पहली गोली कनपट्टी पर, फिर तीन पेट में। जब तक आरोपी मर न गया तब तक फौजी पिता गोली मारता रहा। कचहरी में दिन दहाड़े हुई वारदात से हड़कंप मच गया। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर इधर उधर लोग भागने लगे। फौजी पिता और उसका एक साथी भी वारदात को अंजाम देकर भागने लगा। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को दे दिया। यह वारदात शुक्रवार की दोपहर की है। दरअसल नाबालिग लड़की से रेप का आरोपी दिलशाद 2 बजे दीवानी कचहरी पहुंचा था। वह अपने मुकदमे की तारीख का पता लगाने आया था। तभी गेट के अंदर साइकिल स्टैंड के पास 2 बाइक सवार उतरते हैं। उनमें से एक फौजी पिता उतरा और ताबड़तोड़ दिलशाद को 4 गोलियां मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि मृतक दिलशाद मूल रूप से बिहार का रहने वाला था। उसकी उम्र 25 साल की थी। वह गोरखपुर के बड़हलगंज के पटना चौराहे पर साइकिल रिपेयरिंग का दुकान चलाता था। पास ही में फौजी अपना घर बना के रहते थे। दिलशाद ने फौजी की बेटी को बहला फुसला कर फंसा लिया था। 2 साल पहले ही लड़की को लेकर हैदराबाद भाग गया था। इसके बाद फौजी पिता ने दिलशाद पर दुष्कर्म, पार्षकों और अपहरण का केस कराया था। इसी सिलसिले में वह 15 दिन पहले गोरखपुर आया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी पिता सेना से रिटायर था। वह हिंदू था जबकि आरोपी मुसलमान था। इससे वह गुस्से में था, इसीलिए 2 वर्ष पहले आरोपी शहर में लौटा तो उसने वारदात को अंजाम दिया। आसपास के लोगों ने बताया कि जब आरोपी को पकड़ा गया तो वो गुस्से में चिल्ला रहा था कि वह मेरी बेटी को भला फुसला कर रेप किया था, इसका यही अंजाम होना था। वहीं दूसरी तरफ मृतक के वकील शंकर शरण सिंह ने बताया कि दिलशाद शुक्रवार को कचहरी गेट पर आया। उसने जूनियर अधिवक्ता आदित्य सिंह को फोन किया कि उसे गेट से अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। अधिवक्ता उसके पास मिलने आए थे। इतने में बाइक सवार 2 लोग पहुंचे और ताबड़तोड़ 4 राउंड गोलियां चलाए, जिसकी वजह से मौके पर ही दिलशाद की मौत हो गई। इसके बाद मौजूद गार्डों ने आरोपी को पकड़ लिया। आप क्या राय रखते हैं इस घटना के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस तरह की लोकल की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।